नमस्कार दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में मजांसी सुपर लीग 2019 के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि मजांसी सुपर लीग के मैचों को हम किस तरह से खेलें, क्या हमारी टेक्निक हो जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर सकें। MSL T20 2019, यह MSL T20 का दूसरा वर्जन है। पिछली साल 2018 में शुरू हुआ था। ये साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग है। साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छे मैच होते हैं, पिचें काफ़ी तेज़ होती हैं। आप सभी दोस्तों को मालूम है कि साउथ अफ्रीका के ग्राउंड में रन बनते हैं, तो कुल मिला के बात आपको ध्यान रखनी है कि साउथ अफ्रीका में रन बनते हैं। 6 ओवर का सेशन मोस्टली यहाँ पर यस होता है MSL T20 भारत में। 8 नवंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर को ख़त्म होगा। इस दौरान कुल 33 मैच होंगे। 33 मैच 6 टीमों के बीच में खेले जाएंगे। 8 नवंबर से प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और 16 दिसंबर को प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। भारत में MSL T20 मजांसी सुपर लीग है, जो इस साल दूसरा संस्करण है। मजांसी सुपर लीग भारत में Sony 6 और Sony 6 HD पर लाइव आएगी। तो याद रखिए दोस्तों, मजांसी सुपर लीग 8 नवंबर से शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट के सभी मैचों की हम मैच प्रेडिक्शन, टॉस, एस्ट्रोलॉजी, सेशन रिपोर्ट, लंबी पारी के बारे में बताएंगे। जो लोग सेशन में ज़्यादा खेलते हैं, उन दोस्तों को मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि एक सेशन में एक ही एंट्री करें, बार बार सेशन एंट्री ना करें। मान लीजिए कि आपने 48वें सेशन यस कर दिया है और उसके बाद विकेट गया और आ गए सेशन 36, उसके बाद फिर विकेट गया आ गया 24, तो आप 36-24 में बिल्कुल भी कुछ ना करें। एक टीम एक मैच में सिर्फ एक सेशन में ही एंट्री करें। 48 बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो हम दूसरे मैच में देखेंगे। कुल मिला के मैं आप दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि एक सेशन में एक ही एंट्री करें। इसी तरह आप लंबी में भी एक ही एंट्री करें, बार बार सेशन ना करें। MSL T20 की और जानकारी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cvtfarnav.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या आप हमें पेड सर्विस के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 87690 37167 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स।